आज मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जो फर्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है जॉनू स्टंट की साइड से। आपको पता होगा जॉनू स्टंट ने पिछली वीडियो में आमिर भाई को पोक किया था, और पोक करते हुए ये बोला था कि कुछ बंदे बोलते रहते कि हम मिडिल क्लास फैमिली से। आपको पता होगा आमिर भाई अपनी वीडियो में बोलते रहते हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं। लेकिन जॉनू स्टंट ने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से वो बंदा नहीं होता कि जिसके पेरेंट्स टीचर होते हैं। जॉनू स्टंट ने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से वो होते हैं जिनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता। तो सबसे पहले आप जॉनू स्टंट की क्लिप ही देख लो। जितनी भी भाई सक्सेस है सब आपकी वजह से, मैंने घर से एक रुपया तक नहीं लिया हुआ, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई अपनी वीडियोस में कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है भाई। एक तो यार देखो, किसी के पेरेंट्स है ना, एक जॉब कर रहा हो गवर्नमेंट, जैसे किसी के कोई सपोज डॉक्टर है, टीचर है, पुलिसमैन है, तो भाई वो मिडिल क्लास फैमिली नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक इनकम सोर्स होता है। भाई मैं एक ऐसा लड़का था भाई कि जिसके मतलब कि आपको सबको पता अच्छे से कि भाई मेरे फादर नहीं है, ठीक है, मम्मा मेरे कोई वर्क नहीं करते। तो भाई ये सब सक्सेस आपने दिया है, तो मैं कभी ये बोलने से नहीं हटूंगा कि भाई मैं मिडिल क्लास हूं। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है गाइस जॉनू स्टंट की ये बात आमिर भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इसी बात पे गाइस आमिर भाई ने जॉनू स्टंट को रिप्लाई भी किया पूरा इनडायरेक्टली तरीके से। सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि यार मिडिल क्लास से बोलता रहता, अब तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया भाई। मैं ऊंचाई पे पहुंच गया, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम है। मेरे को ऐसी भी गाड़ी लेनी है भाई जो 1 CR की है या 2 CR की है भाई। लोग बोलते हैं कि तुम बताते क्यों लोगों को कि तुम मिडिल क्लास विलेज हो। इसलिए बताते हैं भाई क्योंकि हमसे लोग मोटिवेट होते हैं, हमारी फटती नहीं है भाई किसी से, इसलिए हम बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास से हैं। आमिर भाई ने रिप्लाई बहुत तगड़े तरीके से दिया और चक्के लगा के दिया, ऐसे करके दिया। लोग बोलते हैं कि मैं आप ये बड़ा मिडिल क्लास है, ये बड़ा शो ऑफ करता है, तो मैं हूं ना मिडिल क्लास, तो आपकी क्यों फटती है। और क्या लगता है आपको कि इसके बारे में जॉनू स्टंट भी आमिर भाई को रिप्लाई करने वाले या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आमिर भाई ने अपने पुराने चैनल की इनकम रिवील कर दी है? जी हाँ, सही सुना आपने। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप भी देख लो। एक टाइम ऐसा था, मैंने मेरे पुराने यूट्यूब चैनल से चैनल मेरा टर्मिनेट हुआ, हाईएस्ट इनकम पर उसकी 22 लाख गई थी पर मंथ विद ब्रांड्स प्रमोशन। आमिर भाई ने बताया कि मेरे पुराने चैनल की हाईएस्ट इनकम गई थी 22 लाख। सूर्या जीत जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है UKG7 राइडर की साइड से। आपको पता होगा जब आमिर भाई का पुराना चैनल डिलीट हुआ था, तब गाइस UKG7 राइडर और लक्ष्य चौधरी ने आमिर भाई का मजाक उड़ाया था कि जो बंदे रोस्ट करते हैं उनका चैनल तो उड़ गया। इसी बात पे आमिर भाई ने आज UKG7 राइडर को रिप्लाई किया। तो आपको पता होगा गाइस UKG7 राइडर का बिग बॉस में काफी जोकर वाला मजाक बन गया। तो इसी बात पे गाइस आज आमिर भाई को रिप्लाई करने का मौका मिला है, तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन सबको उनका कर्मा मिल रहा है, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे आज उनका मजाक बन रहा है। सेम मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई तुम अगर कुछ लाइफ में, मैं कह रहा हूँ कि तुम कमेंट कर रहे हो, मेरी बात याद रखना, तुम ग्रो करोगे ना, तुम मेहनत करोगे, तो तुम खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जब ऊपर वाला तुम्हें रियलाइज करवाएगा। तो इसीलिए ना किसी के लिए बुरा ही नहीं सोचो, ना किसी दिमाग में। देखो मेरे पास 100 पॉइंट है बोलने को इस टाइम पे, अगर मैंने नेगेटिव थिंग्स बोलनी हो ना लोगों के बारे में क्या क्या हो रहा है, मेरे पास 100 चीजें बोलने को। मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी दूसरे बंदे की लाइफ में ना थोड़ी हड़बड़ाहट हो। मैं तो सबके लिए हमेशा यही है कि भाई दुआ काम करे, किसी का मजाक ना उड़ाया जाए, अगर कोई एंजॉय करो, अपने माँ बाप को टाइम दो। तो बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है राजा डीसी की साइड से। राजा डीसी रात को इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और उनने बताया कि गाइस मेरा किसी ने नंबर लीक कर दिया। सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। नहीं कर रहे गाइस, नंबर लीक हो गया, जो जो भी बंदा मेरे को कॉल कर रहा ना भाई, मैंने सबसे बात कर लिया, प्लीज अब कोई भी कॉल मत करो, तंग हो गया यार, 600-700 मैसेज आ चुका है आप लोगों का यार, तो भाई मानते हो तो प्लीज ना करो, और जिसने लीक भी किया उसको भी दिल से शुक्रिया यार। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है जॉनू स्टंट की साइड से। बहुत से लोग ना जॉनू स्टंट से ना एक सवाल पूछते रोज कि आपकी BMW कहाँ पे है, BMW कहाँ पे है। इसी बात को लेते हुए ना जॉनू स्टंट ने आज रिप्लाई किया, यार जो मेरी BMW है वो दिल्ली लग रखी है, और वहाँ पे ना या तो नई बन के आएगी या नई BMW आने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहता कि मेरी BMW आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। सबसे पहले छोटी सी क्लिप ही देख लो। और आप सबको बता, इतनी देर से ना आपने BMW नहीं देखी है मेरे व्लॉग में, तो भाई उसका एक बहुत बड़ा अपडेट दूंगा मैं दिल्ली आके। तो हो सकता है भाई हमारी जो गाड़ी है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई हो, या हमने पूरी गाड़ी चेंज कर दी हो, या हो सकता है हम कोई नई गाड़ी लेके आ रहे हो। तो जो भी अपडेट है वो मैं आपको दिल्ली जाके दूंगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से कावासाकी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं गाइस, इसमें ना टाइम लगता है, ठीक है। हम बाकियों की तरह नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है साइलेंट ब्लॉग।
दिल्ली में गए हुए अपनी सुपर बाइक देखने के लिए, और उन्होंने बताया कि जैसे मैं जम्मू आने वाला हूँ तो मैं नवंबर एंडिंग में गाइस उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर की राइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। तो गाइस देखते हैं हम वापस कब जम्मू निकलते हैं, और जम्मू जाते ही ना एक खतरनाक सी ट्रिप होने वाली है कश्मीर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था हम नवंबर एंडिंग में कश्मीर राइड स्टार्ट कर देंगे, तो कश्मीर राइड स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है अलवी यादव की साइड से। मैं आपको बता दूंगा अलवी यादव कहीं बाहर गए होते हैं, और उनको गाइस वहां पे एक ऑटो ड्राइवर मिलता है, अनजान बंदा मिलता है। वो गाइस उस बंदे के सामने अपनी बहुत ही ज्यादा बुराई करते हैं और बोलते हैं कि आप अलवी यादव को जानते हो। इसी बात पे गाइस उस बंदे ने कुछ रिएक्ट भी किया है। सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। आप वो देखते हो बिग बॉस? देखते हो बिग बॉस? बिग बॉस हाँ, कभी कभी देखता हूँ। आप उसको जानते हो अलवी यादव? नहीं जीता अभी एक जिस पे केस चल रहा। उसको जानते हो? हाल ही में आया न्यूज में। क्या क्या वो बिग बॉस भी तो जीता उसने? हाँ बिग बॉस इधर जीता है वो तो। यहीं पे बॉम्बे में तो लगा था सेट। तो कैसा लगता है भैया आपको? बढ़िया लगता है एकदम। मुझे भी, मुझे तो बड़ा बेकार लगता हो। मैं कहा पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों को फेमस कर देती है पब्लिक, है ना भैया? क्या करें है ना, खराब सिस्टम हो रहा का सारा। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। सब कहते हैं कह रहे मेरी शक्ल मिलती है उससे, बताना मेरी शक्ल मिलती है अलवी यादव से, देखना। नहीं मिलती ना अभी उसको, मैंने ध्यान से नहीं देखा इतना। मैं दिखाऊँ आपको, देखो गूगल करके दिखाता हूँ, एलवी यादव लिख के दिखाता हूँ। एलवी यादव, ये रहा एलवी यादव, देखना इसकी शक्ल मिलती है मेरे से। एक मिनट भाई, इसमें मैं मार देता हूँ सर्च, भैया को दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी तो देखा। ये है वो भैया, इसकी मिलती है मेरे से शक्ल, देखना। अभी थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा ही है ना। गोल चेहरा है। हाँ गोल चेहरा ना, मेरा भी गोल चेहरा, इसलिए लोग कहते हैं एलवी यादव ज्यादा देखते। मैंने पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है MP04 राइडर की साइड से। आपको पता होगा काफी बंदे बोलते रहते हैं कि क्यूट गर्ल वाला ट्रेंड मैंने लाया, ये जो प्रपोज करते हैं वो करते हैं, ये ट्रेंड काफी बंदे बोलते रहते हैं कि मैंने लाया। तो फाइनली आज MP04 राइडर ने बताया कि ये ट्रेंड मैंने लाया। तो सबसे पहले आप उनकी क्लिप ही देख लो। एक बात बता दूं मैं, तुम जितने भी ये आडू झाडू लोग हो जो फैक्ट्स वगैरह बताते हो, तो फैक्ट्स थोड़ा ढंग से समझ लिया करो, बताया करो। अबे चूतियों, ये पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में लौंडियाबाजी लाने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक ही है, MP04 राइडर। प्रपोज और ये उन उन, ये MP04 राइडर लाया है और उसको सब कॉपी कर रहे हैं अब, समझे? तो ये फैक्ट फैक्ट बनाते हो तो थोड़ा रिसर्च करके बनाया करो कि बाप कौन है, ध्यान रखना आगे से ना बेटा। तो आपको ये लगता है कि क्यूट गर्ल वाला ट्रेंड किसने लाया था, कमेंट करके जरूर बताना। जो नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी व्लॉग्स की साइड से। मैं आपको बता दूंगा सौरभ जोशी शाहिद कपूर से मिले, ये आपको सामने फोटो दिख रहा होगा। वो मैच देखने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे वो काफी ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स से मिले। और गाइस यार आज की अपडेट यही तक थी, वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। हम रहते हैं हम अमित भाई के कट्टर वाले फैन है, और हम अमित भाई को दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आए मम्मी, दो सट्टे लगी है इन तो प्रू प्रू पहले ही लगा गया। और गाइस यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइटर लाइन नहीं था शायद।